एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आजकल आप न्यूज चैनल्स तो देख ही रहे होंगे, अगर देखते हैं तो ये बात आपको फिर बहुत ही अच्छे से पता होगी कि गोदी चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं। आजकल बस एक ही चीज तो दिखा रहे हैं ये गोदी चैनल वाले कि देखिए कैसे राम मंदिर में 22 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर बनवा दिया, यही सब तो दिखा रहे हैं। लेकिन ये मीडिया ना तो महंगाई पे बात करती है और ना ही रोजगार पे। लेकिन अब गोदी मीडिया की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप और बीजेपी वालों को एक लड़के ने रोजगार पर आईना दिखा दिया। लड़के ने ऐसी बात बोली कि फिर अंजना ओम कश्यप तो बिल्कुल खामोश हो गई। दरअसल दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है कि आजकल इन गोदी पत्रकारों का अड्डा अयोध्या बना हुआ है। वैसे हो भी क्यों ना, धन के नाम पर ही तो इनका काम चलता है। इसी बीच गोदी मीडिया की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप ने एक पंचायत बुलाई अयोध्या में, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता, विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता और एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुस्लिमों को बिठाया गया था और राम मंदिर पर बहस करवाई जा रही थी। इसी दौरान बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि आज के समय में यहाँ मंदिर बन रहा है, जिसकी वजह से अयोध्या में मॉल, होटल्स और बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं, जिसकी वजह से युवाओं को रोजगार मिल रहा है और देश का विकास हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता के ये बोलने के बाद अंजना मैडम माइक लेकर वहाँ मौजूद एक लड़के के पास पहुँच गई, जो कि अयोध्या का ही रहने वाला है। अंजना उस लड़के से बोलती है कि बीजेपी प्रवक्ता जो बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, इसका जवाब जब उस लड़के ने दिया तो अंजना और बीजेपी प्रवक्ता समेत वहां मौजूद सभी लोग खामोश हो गए। इस लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि अयोध्या में जब भी बीजेपी प्रवक्ता आते हैं तो वो बस यही बोलते हैं कि राम मंदिर बना है यहाँ, जिसकी वजह से यहाँ होटल्स, बड़ी बड़ी दुकान बन रही है, जिसकी वजह से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन आपके सजेशन पे जब मैं अपना रिज्यूम लेकर आपके बनाए हुए सभी होटल्स और रेस्टोरेंट में गया तो मुझे वहां पता चला कि जितने भी लोग मैनेजर और अच्छी पोस्ट पर भर्ती हुए हैं वो सभी आपके लोग हैं। जहां मुझे ये पता चला कि जितने भी मैनेजर और अच्छे पोस्ट पे हैं सब आपके लोग भर्ती हुए हैं। तो दोस्तों, इस लड़के ने सरकार के उन सभी वादों और दावों की पोल खोल कर रख दी। वही दोस्तों, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। चलिए अब आप भी ये जान लीजिए कि लोग सोशल मीडिया पर क्या कुछ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक यूजर है, नाम है चमनलाल ठाकुर। ये लिखते हैं, अयोध्या में बहस के दौरान गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप और बीजेपी प्रवक्ता को पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। एक और यूजर है ऋषि आर शर्मा, ये लिखते हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार अंजना ओम कश्यप अयोध्या में राम मंदिर के शो के दौरान एक साहसी बेरोजगार युवा ने भाजपा और अंधभक्ति में लीन गोदी मीडिया को बखूबी सच का सामना करवाया। एक और यूजर है अमोक, ये लिखते हैं, अंजना ओम कश्यप राम मंदिर को लेकर अयोध्या में शो कर रही थी और ये हो गया। एक युवा ने अपना बायोडाटा लेकर बेरोजगारी को लेकर बीजेपी से पूछा सवाल, अंजना की प्रतिक्रिया सब कुछ कहती है। एक और यूजर है, ये लिखते हैं, अयोध्या में मोदी और उसके गोदी मीडिया को काम मिलेगा और किसी को नहीं। वही अर्चना चौबे लिखती हैं, जब बेरोजगार युवा शिक्षा और रोजगार की बात करता है तब बीजेपी सरकार और गोदी मीडिया चुप्पी साध लेती है। अयोध्या के युवाओं को क्या मिला, वेटर की नौकरी। एक और यूजर है प्रहलाद यादव, ये लिखते हैं, अयोध्या के शिक्षित और जागरूक युवा सड़कों पर बेरोजगार भटक रहे हैं और बीजेपी के बिजनेस पार्टनर्स वहां भाई भतीजेवाद पर प्राइवेट नौकरियां तक घर में मिठाइयों की तरह बांटे जा रहे हैं। कब सुधरेगी भारतीय जनता पार्टी, युवा तड़प रहे हैं, ये बेशरम भाजपाई पूंजीपतियों की गोद में हिलोरे मार रहे हैं। तो दोस्तों, ये है मौजूदा सरकार की सच्चाई। चलिए दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।